रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा लुक है, ये पूरा एयरपोर्ट ही लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं आई हुई हूँ SMBT रेलवे स्टेशन, और ये बेंगलोर में है, और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह से लगता है कि ये एयरपोर्ट है। ये रेलवे स्टेशन कम और एयरपोर्ट ज़्यादा लगता है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें सारे कुछ, मतलब कि टोटल यहाँ AC लगा हुआ है सारे सभी जगह पे। मैं भी अंदर इन नहीं की हूँ, अंदर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा लुक है, ये पूरा एयरपोर्ट ही लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। कुछ ऐसा लुक है बाहर का। गार्डन है बहुत खूबसूरत सा, यहाँ पे पार्किंग लॉट है, बाइक ऑटो सभी के हैं, बस के भी हैं, और कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा लुक है। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है, और ये है जो फुली एयरपोर्ट लुक दे रहा है, फुल एयरपोर्ट लुक। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत कम ही अभी ट्रेन इसमें आ रही है क्योंकि ये थोड़ा नया ही है, लगभग 6 महीना या साल भर हुआ है। कुछ ऐसा सीन है, ऊपर का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में है, और एंट्री इधर से है और एग्जिट उस साइड से, एग्जिट का 2 गेट है, एंट्री का 2 गेट है, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ के डोर ऑटोमेटिक है, ये बहुत सही है, ऑटोमेटिक डोर। ओह वाव, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, और टिकट के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसा है अंदर का लुक, श्वेता एस्केलेटर भी लगा हुआ है जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म में अभी तक देखा नहीं गया है, स्टार्ट कर रहे हैं शायद, और बहुत ब्यूटीफुल सा है। तो बहुत लोग नहीं जान रहे कि किस साइड से जाना है। अभी एक गर्ल भी आई थी, वो भी पूछ रही थी, मुझे भी कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में कि कहाँ से क्या, तो मैंने पूछ रहा है, और यहाँ पे एरो दिया हुआ है। हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद है, और ये पूरी तरह से एयरपोर्ट वाला लुक दे रहा है। गाइस ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर में कुछ ऐसा बना हुआ है। आज तक मैं जितने भी रेलवे स्टेशन गई हूँ कभी नहीं देखा ऐसा रेलवे स्टेशन। वो एक्चुअली मुझे ठीक से पता नहीं था, ये लगभग 1 से 1.5 साल हो रहा है, और यहाँ जगह जगह पे फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है।
इस तरह से है। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाने के लिए चार्जिंग पॉइंट, लोग खड़े होकर चार्ज कर रहे हैं। हाँ वैसे देख रहे हैं बहुत अच्छा बना हुआ है। लिफ्ट और यहाँ पे कैंटीन, तो खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है ये। हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पे फोन भी है, फोन भी है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। बहुत सारे लोग न्यू हैं जैसे हम लोग हैं, और बहुत सारे लोग जान शौक है। और सबसे अच्छी बात, प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नीट एंड क्लीन है और जगह जगह पे डस्टबिन है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और इतना मेंटेन किया हुआ है ये प्लेटफॉर्म। देखिए जगह जगह पे डस्टबिन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, पूरा नीट एंड क्लीन। अपने लाइफ में प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन तो मैंने इतना नीट एंड क्लीन देखा है, ये कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये रेलवे स्टेशन है। पूरी तरह से नीट एंड क्लीन, सफाई का खास ख्याल रखा गया है, लोगों के लिए चार्जिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। इस तरह से इस पार से उस पार जाने के लिए बनाया गया है, और जिस तरह से लाइटिंग दिया गया है ये बहुत सुंदर लग रहा है। ट्रांसपेरेंट सीट दिया गया है जिससे इस पार से उस पार आराम से ट्रेन देख सके। और यहाँ टोटल लगभग 6 to 7 प्लेटफॉर्म है, और सभी प्लेटफॉर्म के जाने के लिए ये रास्ते हैं सीढ़ियाँ। थोड़ा खाली है ये प्लेटफॉर्म क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन को नहीं लाया गया है। धीरे धीरे यहाँ पे काम चल रहा है, या फिर काम ट्रेन आने का काम स्टार्ट होने वाला है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म। हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 जो सबसे लास्ट है, और देखिए फिर से डस्टबिन, कुछ कुछ दूरी में डस्टबिन दिया गया है। ये ट्रेन लग चुकी है फ्रेंड्स, और तक थोड़ा फोटो क्लिक कर देते हैं। ये हमारी ट्रेन है, हम जा रहे हैं केरला, बेंगलोर टू केरला, वहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी। और ये हमारी केरला जर्नी होगी, और जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती, पर जितना दिखा पाऊँगी खूबसूरत ही रहेगा। वो फ्लिप कर रहा है, बहुत क्लीन है। अभी बारिश भी बहुत तेज हुई थी और आने वाली भी है, बादल पूरा काला हो रखा है। S6 प्लेटफॉर्म के अंदर भी चार्जिंग पॉइंट है, चार्ज कर रहे हैं। ये सही है, पानी के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया हुआ है।
अच्छा लग रहा है देखकर। कुछ ऐसा